हाँ जी, आपने जो थंबनेल में पढ़ा है ना, वे सब सच है। दरअसल पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन बन गई है ना, उसका पूरा क्रेडिट जाता है चाइना और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के डिसीजन के ऊपर जो उन्होंने लिया। सो फिलहाल पाकिस्तानी सिटीजन मुसीबत में पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज वैक्सीन सिनोफार्म। दरअसल पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन लगाई जा रही है। वी ऑल नो वेरी वेल पाकिस्तान एंड चाइना कितनी गहरी दोस्ती दोनों के बीच, कितने बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों। शायद आई थिंक इस वजह से ही शायद चाइनीज वैक्सीन लगाई जा रही होंगी पाकिस्तान में। बट चाइना को तो पता नहीं, चाइनीज वैक्सीन लगाने की वजह से पाकिस्तानी सिटीजन बेहद ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। आई नो अभी तक आप जान गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि क्यों मुसीबत में पड़ गए हैं, बट फिर भी आई जानते डिटेल्स में। हे देयर, आई एम रुणाल लागनो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको वीडियो पूरा देखते हो, अगर आपको वीडियो समझ में आता, पसंद आता, तो प्लीज़ आई नीड सब्सक्राइबर, आई नीड व्यूज, आई नीड सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सऊदी अरेबिया समेत कई खाड़ी देशों ने चाइनीज वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है, और यहाँ पे खाड़ी देश का मतलब है GCC, गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ काउंसिल के सदस्य देश। सऊदी अरेबिया हो गया, इसमें UAE, कुवैत, कतर, ETC, ऐसे और भी कंट्रीज है, कुछ उन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। एंड दूसरी तरफ इसे लगवाने वाले पाकिस्तानी सिटीजन को रोक लगा दी है, बैन कर दिया गया है इन कुछ कंट्रीज में। सो प्रॉब्लम ऐसी बन चुकी है, अब ऐसे में इन कंट्रीज़ों में पढ़ने वाले पाकिस्तानी सिटीजन्स, वर्कर और हज यात्रा भी जा नहीं सकते। अब यह बेहद बड़ा झटका बन चुका है पाकिस्तानी सिटीजन के लिए। यह बेहद बड़ा झटका है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए। एंड ऐसा क्यों होता है, डिसीजन बड़े बड़े लीडर लेते हैं, बट उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। व्हाटएवर, ऐसे में खुद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाइनीज वैक्सीन के एक टाइप का चाइनीज वैक्सीन की मार्केटिंग करने के लिए उन्हें उतरना पड़ा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इन्हीं खाड़ी देशों से इन मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें गिना रहे चाइनीज टीके के फायदे के बारे में। एंड पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये जो चाइनीज वैक्सीन है ना, उसे WHO ने परमिशन भी दे दी है, मतलब इस वैक्सीन का सच में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन UAE, सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने इसे स्वीकार नहीं कर रहे बिकॉज इन्हें डर है। सो इस वजह से पाकिस्तानी सिटीजन बैन हो चुके कुछ कंट्रीज में।